ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारी मैप मेकिंग की क्लासेस, और मैप मेकिंग की क्लासेस में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख रखा है गंगा रिवर के बारे में, और उससे पहले हम लोगों ने देखा था इंडस रिवर के बारे में। फटाफट उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम लोग देखने वाले हिमालयन रिवर की एक और रिवर सिस्टम, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 सालों के पेपर में अगर आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे ब्रह्मपुत्र से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे गए हैं, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड हो, या बेसिक क्वेश्चन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाए। फटाफट देखते हैं क्या कुछ है। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है जिसको कि अगेन आप लोग यूज कर सकते हैं अपने तैयारी करने के लिए। बाकी आप कुछ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिनको आप लोग अवेल कर सकते हैं, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो हम लोग बेसिकली हिमालय रिवर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने इंडस सिस्टम के बारे में और गंगा सिस्टम के बारे में बात कर रखा था। ब्रह्मपुत्र सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट ब्रह्मपुत्र के बारे में। सबसे पहले इसकी मैप देखेंगे, मैप में देखेंगे कहां से ओरिजिनेट हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद से कुछ और डिटेल्स देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए ये हमारी कुछ फोटोग्राफ है जो कि आप देख सकते हैं कि ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये इंटेंशनली क्लियर नहीं लगाई गई है ताकि हम लोग कुछ ड्रॉ कर सकें इसमें। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये नेपाल है, नेपाल के साथ में यहाँ पर आपको देखने का मिलेगा कि ये उत्तराखंड का यहाँ पर बॉर्डर लग रहा है, दिस इज उत्तराखंड, और ये इंडिया का पार्ट हो जा रहा होता है। यहां पर आती है एक रिवर, एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर, मानसरोवर लेक। इसी के नीचे क्या है ये, मतलब ये लेक किसके नीचे है, ये है माउंट कैलाश के नीचे, और माउंट कैलाश किसका पार्ट होता है, माउंट कैलाश होता है हिमालय का पार्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ था कि यहां से मानसरोवर लेक से 2 रिवर निकली थी, एक रिवर कौन सी, एक निकली थी हमारी जो सतलज रिवर थी, और दूसरी एक और रिवर निकली थी जिसका नाम था इंडस रिवर। ऑलरेडी हम लोगों ने इन दोनों रिवर के बारे में बात कर रखा है। यहीं से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, लेकिन अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा है, अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ेगा बाद में। फिलहाल अभी जो ये रिवर निकली हुई है, ऑब्वियस सी बात है ये कहां पर है, ये निकली हुई है तिब्बत में, तिब्बत में निकली है, तो इसका नाम कुछ चाइनीज टाइप का ही होगा, इसका नाम होता है सेंगपो, सेंगपो, ठीक है, सेंगपो रिवर रहता है। और ये देखिए रिवर जो होती है इस तरीके से मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट कर रही है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा यार कुछ अजीब सी बात हो रही है, टर्न हो रहा है यहां पे, बेसिकली आपको एक टर्न देखने को मिल रहा है। टर्न कब मिलेगा, जब कोई यहां पर बैरियर बन रहा हो, और यहां पर एक बैरियर होता है, उस बैरियर का नाम क्या है, इस बैरियर का नाम है नामचा बरवा, दिस इज नामचा बरवा, और ये नामचा बरवा बेसिकली हिमालय की एक पीक है, हिमालय माउंटेन की एक यहां पर कह लीजिए कि पीक हो जा रही होती है, और यही इसको बैरिकेड लगाती है, एक तरीके से कह लीजिए कि टर्न दे रही होती है। इस तरीके के टर्न को हम लोग क्या बोलते थे, इस तरीके को हम लोग बोलते थे हेयर पिन टर्न। तो हेयर पिन टर्न है, जैसा कि हम लोगों ने इंडस में भी देखा था कि इंडस भी हेयर पिन टर्न ले रही होती थी अटॉक से, और सिमिलरली यहां पर भी नामचा बरवा से ये हेयर पिन टर्न ले रही है। कोई बात नहीं, अंदर आ जाते हैं, अंदर आ गए, इंडिया में आ गए, इंडिया में आ गए, तो ये देखिए हमारी अरुणाचल की ये कह लीजिए कि सिस्टम है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इंडिया की बाउंड्री। तो यहां पर जैसे ये एंटर कर रही है, इसका नाम हो जाता है क्या चीज, इसका नाम हो जाता है दिहांग, दिस इज दिहांग। और यहां पर सीधी सी बात है, रिवर ऊपर से नीचे आ रही है, लैंडफॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि ऊपर से जब नीचे आती है तो क्या बनाती है, ये बनाती है एक गॉर्ज, और इस गॉर्ज का नाम ही रहता है दिहांग गॉर्ज, दिस इज दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज से आगे देखेंगे तो आपको फिर एक टर्न देखने को मिल रहा है, देखिए यहां पर एक टर्न देखने को मिल रहा है, ये जो टर्न है ये आ जाती है असम में, तो ये जो पॉइंट है इस असम का, असम में एक जगह है जिसका नाम है सदिया, धोला सदिया के नाम से आप लोग जानते होंगे, तो यहां पर ये सदिया जो कि असम में आती है, यहां से ये टर्न ले लेती है, और इस तरीके से जब ये मूवमेंट करना शुरू कर देती है तो यहीं सदिया के आगे से इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा। तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर अब बन गई है, ब्रह्मपुत्रा रिवर आप देख रहे हैं कैसे कैसे चल रही है, और आगे फिर ये साउथवर्ड टर्न ले ले रही है, तो ये साउथवर्ड टर्न लेने के बाद अल्टीमेटली बांग्लादेश में जाकर के गिर जा रही है, और यहां पर इसका नाम बदल जा रहा होता है। नाम क्या बदलता है, मतलब यहां पर 2 अलग अलग ट्रिब्यूटरीज आ जाती है, जैसे मेघना एक ट्रिब्यूटरी आ जाती है, और दूसरी आ जा रही होती है एक पद्मा, तो ये 2 ट्रिब्यूटरी आ जा रही होती है बांग्लादेश की,
जो कि ब्रह्मपुत्रा में जाकर के मिल जा रही होती है। तो ये हुई हमारी पूरी की पूरी जो कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी के बारे में आपको पता ही चल गया। अल्टीमेटली ये किस में गिर जा रही है, अल्टीमेटली जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। तो आपको आइडिया लग गया कहां पर क्या चीज है, कैसे है, थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। और अब हम लोग जरा देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। चलिए फिर, तो ये है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर, आपको देखने को मिलेगा यहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर, इसको हाईलाइटर ले लेते हैं। दिस इज ब्रह्मपुत्रा रिवर, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर कुछ आ रही होगी और ब्रह्मपुत्रा रिवर में सबसे पहले बूढ़ी दिहिंग या फिर बूढ़ी दिहांग भी उसको बोलते हैं, ये रिवर मिल रही है। मूवमेंट कैसे है, इस तरीके से मूवमेंट है। तो बूढ़ी दिहांग क्या हो गई, लेफ्ट बैंक बन गई, मतलब इस साइड में जितनी भी है, इस साइड में जितनी भी है सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनेंगी, ऊपर में जितनी भी है वो बन जाएंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। आई होप ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। बूढ़ी दिहिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरी रिवर है दिहांग, या फिर कह सकते हैं दिसांग लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कुछ ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। फिर है भोगदोई हो गया, फिर धानसिरी हो गई, ये रिवर इंपॉर्टेंट है, धानसिरी ये इंपॉर्टेंट रिवर है जो आपको ध्यान रखना है कि ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सिमिलरली यहां पर देख लेंगे कपिली एक रिवर है जो कि अगेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनी हुई है। बाकी यहां पर देखिए कुछ कुछ रिवर्स हैं बट ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटी छोटी रिवर है। तो आप जब देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यहां पर बहुत ही कम है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जरा देखते हैं कौन कौन सी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी यहां पर जो है एक रिवर आ जा रही है जो कि नॉट इंपॉर्टेंट है सच, लेकिन हाँ सुबनसिरी काफी इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि आप देख सकते हैं ये निकल करके आ रही है। सुबनसिरी के बारे में अगर बात करें तो देखिए ये मिरी, यहां पर देखिए दो हिल्स पाई जा रही होती हैं, एक हिल होती है जिसका नाम है मिरी हिल्स और दूसरी होती है एबोर। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एबोर हिल है और यहीं पर मिरी हिल्स होती है, इन दोनों को डिवाइड करते हुए ये सुबनसिरी रिवर आ रही होती है। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे यहां पर कुछ और भी रिवर्स आ जाती हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनका नाम मैं बता दे रहा हूं। यहां पर देखिए लिखा नहीं है, दिस इज मानस रिवर, मानस रिवर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिक्किम से होकर के आ रही होती है, आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे धानसिरी रिवर हो गई, ये धानसिरी दिस इज इंपॉर्टेंट रिवर, ये ऊपर से आ रही है, आपको देखने को मिलेगी। बाकी और भी कुछ रिवर्स हैं, जरा हम लोग अब डिटेलिंग पे आते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो फिलहाल ये मैप हो गई आपकी जो थोड़ी मोड़ी ध्यान में रखनी है, लेकिन खैर यहां से ध्यान नहीं रहेगा लेकिन यहां से आपको जरूर ध्यान रहेगा। तो अगर हम लोग ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करें तो मानसरोवर लेक से निकल रही होती है, फिर एलिवेशन पे जाती है, सेंको नाम रहता है तिब्बत में, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोग, नामचा बरवा से ये फिर मूव कर जाती है इंडिया के दौरान में, पियर्सिंग कर जाती है और उसके बाद से दिहांग गॉर्ज बना रही होती है और अंदर इंडिया में आ जाती है। सदिया से ये आ जा रही होती है, सी लेवल नीचे आ जाती है, इंडिया में आ जाती है और इस तरीके से इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। असम में धुबरी पे रहती है, धुबरी से ये वेस्ट मूव हो जाती है और अल्टीमेटली साउथवर्ड मूव करके बांग्लादेश में चली जा रही होती है, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में देख लीजिए, जैसे धानसिरी हो गई, कलांग हो गई, दिबांग हो गई, लोहित हो गई, बूढ़ी दिहांग हो गई और कपिली रिवर हो गई, ये हो गई हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक के बारे में बात करें, सुबनसिरी हो गई, भारेली हो गई, मानस हो गई, संकोश हो गया, तीस्ता हो गया और रैदक हो गया। इनके बारे में अगर देखें तो देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको और ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है, जैसे रैदक रिवर हो गई, रैदक रिवर जो है वो सिक्किम की रिवर है, जैसे सिक्किम और सिक्किम से ओरिजिनेट हो रही होती है। सिमिलरली अगर बात करें संकोश रिवर की, संकोश रिवर जो होती है वो भूटान से आ रही होती है और भूटान की मेन रिवर है ये बेसिकली। सिमिलरली मानस के बारे में बात करें तो मानस रिवर जो होती है वो तिब्बत से आ रही होती है, ऊपर से आ रही होती है। फिर उसके बाद से सुबनसिरी के बारे में बात करें तो ये असम की रिवर है, असम में ही फ्लो हो रही होती है, मिरी और अबोर की हिल के बीच से निकल रही होती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा ही है। फिर अगर कालादान के बारे में बात करें तो देखिए यहां पर कालादान रिवर नहीं लिखा है, कालादान रिवर जो होती है वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट रिवर है, अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में कि कौन सी रिवर और भी है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे धानसिरी के बारे में, धानसिरी जो होती है वो नागा हिल से निकल करके आ रही होती है और अगेन इंपॉर्टेंट रिवर बन रही होती है। अगर इन रिवर के बारे में थोड़ा थोड़ा दो तीन लाइन और भी देखा जाए, इनके बारे में डिटेलिंग थोड़ी सी देख ली जाए, एक आध बार आ जा रहा होता है, तो ये हमारी हो जाती है ट्रिब्यूटरीज के बारे में। जैसे रंगीत हो गई, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि यह सिक्किम से निकल रही होती है, काफी रैपिड्स वगैरह बनाती है और राफ्टिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सिक्किम में घूमने जाते हैं और अगर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आपको रंगीत रिवर में ही
किया जाता है। जैसे आप लोग गए होंगे कुल्लू मनाली, वहां पर जो राफ्टिंग कराई जाती है वो रावी रिवर में रहती है, ब्यास रिवर में रहती है। सिमिलरली आगे बढ़े संकोच रिवर, ये भूटान से निकल रही होती है, भूटान की मेन रिवर होती है। सिमिलरली मानस हो गई, मानस जो है वो एंटीसीडेंट रिवर है, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको ध्यान में रखनी है, तिब्बत से निकल रही होती है और इस तरीके से गॉर्ज बनाते हुए आगे मूव कर जाती है। सिमिलरली सुबानसरी हो जाती है, सुबानसरी जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो कि असम से निकलती है। ये दोनों मिरी हिल्स और एबोर हिल्स से, मतलब डिवीजन से, इन दोनों के बीच से निकल रही होती है और इस तरीके से दोनों को सेपरेट कर रही होती है। आगे बात करें धानसरी रिवर के बारे में, नागा हिल से निकल रही होती है और अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर ले रही होती है। मणिपुर, मणिपुर पे ही निकल रही होती है, नाम ही बता रहा है, मणिपुर तो वहीं से निकल रही होगी। बाकी ये जो होती है इम्फाल, जो कि यहाँ की राजधानी है, उससे पास हो रही होती है और ये लोकटक लेक, जो कि यहाँ पर कह लीजिए कि फुमदीस पाई जा रही होती है, इसको ड्रेन करते हुए छिंदविन वैली में निकल जा रही होती है। हालांकि इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावती रिवर जो कि म्यांमार में है, बट हमें उसको इतना देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इरावती रिवर जो होती है वो इंटरनेशनल रिवर हो जा रही होती है। सिमिलरली एक और रिवर आ जाती है कालादान रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट में, जो कि तीन कंट्रीज का बेसिकली प्रोजेक्ट है, जहां पर बांग्लादेश हो गई, इंडिया हो गई और थाईलैंड की हो जा रही होती है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये देखिए साउथ पार्ट ऑफ मिजोरम एंड मणिपुर को ये ड्रेन कर रही होती है और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में मूव कर जा रही होती है, गिर जा रही होती है। लास्ट रिवर आती है हमारी जिसका नाम है बराक रिवर, एंड दिस इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, दिस इज इंडिपेंडेंट रिवर और ये मूव कर रही होती है कहां पर, नागालैंड में माउंट जैपोव में, उसके बाद से साउथवर्ड मूव कर जाती है मणिपुर में और वहां से हेयरपिन लेकर के फिर अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जा रही होती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही होती है। बाकी इसके बारे में कुछ कुछ डिटेल लिखी हुई है जो कि हमारे लिए सच इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब ये बांग्लादेश में मूव करती है तो इसका नाम सुरमा कहला जाता है, तो सुरमा नाम याद रखिएगा कि बराक रिवर का ही नाम सुरमा रिवर है, एक आध बार पूछा गया है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आगे बढ़े तो अब कुछ देख लेते हैं हम लोग मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या फिर कह लीजिए कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं, जो कि इन स्टेट्स पे, इन रिवर्स पे बनाई गई है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो देखिए यहां पर क्या है, रिवर अपने यंग एज में रहती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, इस वजह से इससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी बनाई जा सकती है। तो यहां पर नंबर ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जैसे तवांग हो गया, सुबनसिरी हो गई, रंगनी हो गई, पाकी हो गई, फिर उसके बाद से नंबर ऑफ यहां पर देख सकते हैं कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, कामेंग, कामेंग इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जा रही होती है हमारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट की। सिमिलरली अगर बात करें सिक्किम में भी दो है जिसका नाम है रंगीत, जो कि रिवर ही यहां से निकल रही होती है, और दूसरी है तीस्ता, तीस्ता भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आसाम में देखें, नेक्स्ट आसाम में एक कोपली है जो कि एक रिवर प्रोजेक्ट है, पुरानी है, सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जा रही होती है हमारी ये वाली, क्योंकि ये कुछ नई हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाई गई है। जैसे अगर मिजोरम में बात करेंगे तो तुलबुल तुरियल, ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो होता है धालेश्वरी, ये भी एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिमिलरली मणिपुर है तो लोकटक हो गई और स्टेपेज मुख हो गई, फिर उसके बाद से नागालैंड में दोयांग हो गई, मेघालय में उमत्रू हो गई, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। सारा आपको ऐसा याद रखने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मणिपुर की इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फिलहाल ये न्यूज में बनी हुई है, और साथ में हमारी जो सिक्किम की हो गई और अरुणाचल प्रदेश की हो गई, ये तीन स्टेट की आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जितने भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन, अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उसको ज्वाइन करके अल्टीमेटली अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। वहां पर मैं करंट अफेयर्स के भी बेसिस पे कई क्वेश्चंस डालता रहता हूं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और करंट अफेयर्स वगैरह पर भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।